नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हर दिन हम जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण और काम की है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस बुलेटिन वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ इन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों का सिलसिला। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी के लिए बनी अनुकूल परिस्थितियां, मौसम विभाग ने जारी की जानकारी। उत्तर प्रदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी स्थिति, बीजेपी को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत, लखीमपुर घटना पर बोले शरद पवार। राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल बुधवार को करेगा लखीमपुर खीरी का दौरा। भारत दौरे पर 9 अक्टूबर को आएंगे डेनमार्क के प्रधानमंत्री, दोनों देशों के बीच संबंध होंगे और भी ज्यादा मजबूत। करीब 1 करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कोविड की वजह से बच्चों में बड़ी मानसिक परेशानियां, यूनिसेफ ने कहा महामारी ने बीमारी को और भी ज्यादा बढ़ाया। महाराष्ट्र के पुणे के करीब 19,000 परिवारों को मिलेगा 50,000 की मदद, कोरोना में जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें मिलेगा सहारा। लखीमपुर की घटना पर राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम का कार्यक्रम रहा फीका, टोंक में पायलट के आयोजन में जुटी भीड़। अब डीजी लॉकर पर मिलेगी पेंशन की बड़ी सुविधा, 23 लाख कर्मचारियों को एक मुश्त मिलेगा लाभ। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव के खिलाफ नहीं होगी अवमानना की कार्यवाही, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने किया इनकार। जाइडस कैडिला के 2 डोज वाली वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को मंजूरी, 3 खुराक वाले टीकों की कीमत पर बातचीत जारी। महाराष्ट्र के पुणे का एयरपोर्ट 15 दिनों तक रहेगा बंद, रनवे की मरम्मत की वजह से 16 से 30 अक्टूबर तक सभी उड़ाने बंद। एप्पल लेकर आया है बड़ा जबरदस्त फीचर, अब आसानी से की जा सकेगी ऐप स्टोर में स्कैम करने वाले एप्स की रिपोर्ट। अंतरिक्ष में बनेगी पहली फिल्म, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शूटिंग के लिए रवाना हुई रूसी एक्ट्रेस सहित पूरी टीम। अमित शाह से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, लखीमपुर खीरी की घटना और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर जताई आपत्ति। लखीमपुर घटना पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा भगवान भरोसे चल रहा है देश। सागर धनखड़ हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर, जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में शुरू होगा पानीपत सहकारी चीनी मिल का नया संयंत्र। पाकिस्तान अफगानिस्तान में धार्मिक स्कूल पैदा कर रहे आतंकी, युवाओं को बनाया जा रहा है जिहादी, यूएन रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी से मिले संजय राउत, बोले मंत्री खुलेआम घूम रहे तो कांग्रेस महासचिव जेल में क्यों। मेरा औरैया डीएम को चैलेंज है, अगर तेरी औकात हो तो मुझे छेड़कर दिखा देना, सपा नेता धर्मेंद्र यादव का धमकी भरा वीडियो वायरल। पश्चिमी बंगाल में दिलीप घोष ने लौटाई ममता सरकार की सुरक्षा, मिलती रहेगी केंद्र सरकार की वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी। ताइवान में हवाई घुसपैठ कर अमेरिका को चीन ने दी चुनौती, हिंद प्रशांत में अपने दबदबे को दिखा रहा ड्रैगन। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, सियुकुरो मोनेब, क्लाउस होलेसमैन और जियोर्जियो पारिसी को दिया जाएगा अवार्ड। दिल्ली में खुलेगा आर्मी प्रिपेरेटरी स्कूल, इंडियन आर्मी में शामिल होने की तैयारी अब स्कूलों से होगी शुरू। फ्रांस के साथ टेंशन खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फ्रेंच बोलने वाले विदेश मंत्री ब्लिंकन को भेजा पेरिस। बंगाल में टला बड़ा संकट, 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे ममता बनर्जी को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। गुरुग्राम में 7 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या, जेल में फंदे से लटक कर दी जान।
आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के बाद अब मुंबई पुलिस की एंट्री, मुंबई क्रूज रेव पार्टी का जो वीडियो है वो पड़ेगा भारी। बैंक कर्मचारी फैमिली पेंशन रिवीजन, आरबीआई ने बैंकों के लिए नियमों में दी छूट। फेसबुक बंद होने से डूब गए 11 अरब रुपए, 6 घंटे में दुनिया को हुआ बड़ा नुकसान। लोजपा के दो हिस्सों में बंटने के बावजूद चिराग को सता रहा नाम के गलत इस्तेमाल का डर, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। ई कॉमर्स में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ के खिलाफ देश भर में भारत व्यापार क्रांति चलाएगा केट। चीन के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज हुबोई ने देश छोड़ने का किया ऐलान, देश में करेंसी पर बैन के बाद फैसला। मैसूर दशहरा में शामिल होने वाले कलाकारों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य, 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है विश्व प्रसिद्ध त्योहार। लखीमपुर खीरी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हिंसा को लेकर मंत्रियों पर एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग। इस महीने जम्मू कश्मीर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, सेना और पुलिस अधिकारियों का साथ कर सकते हैं बैठक। गांधीनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, 44 में से 41 सीटों पर कब्जा, कांग्रेस के हाथ सिर्फ 2 सीटें। 12 अक्टूबर से शुरू होगी समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा, पूरे राज्य का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख की लाडली सुहाना खान ने उठाया बड़ा कदम, ट्रोलिंग से बचने के लिए निकाला तरीका। पिछले 24 घंटों में 49% बढ़ गए क्रिप्टो करेंसी के दाम, आगे अभी और आ सकता है उछाल। केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका, केपीसीसी कार्यकारी समिति के सदस्य बालचंद्रन ने छोड़ा 52 साल का लंबा साथ। अपार्टमेंट होटल और मॉल बनाएगा रेलवे, एनईआर के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने दी हरी झंडी। अमेरिका दौरे की अपार सफलता के बाद अब यूरोप जाएंगे पीएम मोदी, G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। थॉमस नाम के हैकर की वजह से ठप हुए थे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, अपराधी को जल्द पकड़ेगी FBI। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के लोगों को दिया होमवर्क, कहा दीपावली के मौके पर 25 लाख दिए जलाकर दिखाए। ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पिता असलम ने तोड़ी चुप्पी, कहा दोनों बेकसूर है। सरलीन चोपड़ा ने शाहरुख खान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा उनकी पार्टियों में बॉलीवुड स्टार्स की पत्नियां लेती थी व्हाइट पाउडर। पश्चिमी बंगाल में लेफ्ट ने कांग्रेस से तोड़ा नाता, 4 विधानसभा सीटों पर अकेले उपचुनाव लड़ने का किया ऐलान। जल जीवन मिशन को लेकर देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, हरियाणा के हर गांव तक पहुंचेगा पीने का पानी। बिहार में नालंदा में मछली भात खिलाकर वोटरों को लुभाने की थी तैयारी, भोज स्थल पर पहुंच गई पुलिस, मुखिया प्रत्याशी गिरफ्तार। विवाह अवैतोभी महिला को गुजारा भत्ता देने से नहीं किया जा सकता है इनकार, फतेहाबाद के मामले पर हाईकोर्ट का आदेश। चलिए दोस्तों फिलहाल इससे वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।